हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि यहाँ पर अब जो डिस्प्ले पे जो नाम आ रहा है उसको अपन चेंज कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो करना क्या है आपको, थोड़ी सी मेथड, छोटी सी मेथड है जो इजी है, बहुत इजी है। तो आपको करना क्या है, जब गाड़ी बंद हो, स्विच बंद हो, तो रिसेट बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, उसके साथ ही स्विच को चालू कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, प्रेस करके रखा, बटन चालू किया मैंने, तो कैसा होगा, ये ब्लिंक करने लग गया, यहाँ पे आके रुक चुका है जो कि ब्लिंक कर रहा है। तो ब्लिंक करने से क्या होगा कि यहाँ पे अपन कुछ भी अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं, फिर नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो बटन है, यहाँ पर 6 नंबर के अल्फ़ाबेट अपन डाल सकते हैं, 6 हैं, 5 तो बड़े लिखा हो रहा है, एक और ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पर भी कुछ अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं। तो ऐसा है कि जो रिसेट बटन है उससे उल्टा चलेगा, मतलब बी पे आगे वापस ए पे जाना है तो रिसेट बटन दबा दीजिए, और अगर आगे बढ़ना हो तो उसके पास वाला बटन क्लिक करके दबा दीजिए, आगे बढ़ता रहेगा। तो उसकी प्रोसेस क्या है, आप ऐसे आगे बढ़ा, जिस रिसेट बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो वो आगे बढ़ेगा, जैसे ये डी पे आ गया है, फिर लॉन्ग प्रेस करोगे तो अगले डी पे आ जाएगा, अपन यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो इजीली। तो ऐसे लास्ट में जाके वाई तक जाने के बाद, आखिरी पे जाने के बाद एक और बार लॉन्ग प्रेस करना रिसेट बटन को, ये ऑटोमेटिक फिर सेव हो जाएगा। देख लीजिए, अब ब्लिंक करने लग गया है, ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले बंद होकर चालू हो जाएगी, और ये इजीली आपका नाम यहाँ पे जो भी चाहो, कुछ नंबर मिसिंग है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है, टोटल कुछ अल्फ़ाबेट मिसिंग है, सही से नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से इतना था, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।